अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। एक छोटा सा मैसेज मैं रिकॉर्ड करना चाह रहा था करोना वायरस के लिहाज से। इस वक्त इसका कोई इलाज नहीं है दुनिया में। इसका सबसे अच्छा इलाज जो है वो है प्रिवेंशन, एहतियात। इस वक्त मुझे पता है कि स्कूल्स बंद हो गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गई हैं, मगर हम पाकिस्तानी एक अजीब सी कौम है। मुझे इतने सारे लोगों का फ़ोन आया, यार मरी जा रहे हैं या किसी नॉर्दर्न एरिया में हम जा रहे हैं छुट्टियां मनाने के लिए बच्चों के साथ। खुदा का वास्ता पाकिस्तान, हम वो कौम ना बने जो हर चीज़ अल्लाह पे डाल दें और जब चीज़ हाथ से निकल जाए तो उसके बाद कहें कि वो भी अल्लाह की मर्ज़ी है। प्लीज़, अल्लाह ने अकल दी है, अल्लाह ने तदाबीर दी हैं, अल्लाह ने आपको फहम दी है कि आप एहतियात बरतें। प्लीज़ डोंट टेक इट लाइटली एंड डोंट पैनिक, देयर इज़ नो नीड टू पैनिक। हम कुछ कर ही नहीं सकते ना, असल चीज़ तो ये है, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जो एक चीज़ कर सकते हैं वो एहतियात है। सिनेमाज में ना जाएं, पार्क्स में ना जाएं, मॉल्स में ना जाएं, एयरपोर्ट पे ना जाए जहाँ से बहुत सारे लोग बाहर से आ रहे हों, एक्सपोज ना करें, अपने हाथ धोते रहें दिन में 15-20-25 दफ़ा। आई एम वन ऑफ द मोस्ट रिलैक्स्ड एंड ईजी गोइंग पीपल अबाउट हेल्थ, आई प्रॉमिस यू। मेरे घर वाले तंग होते हैं मुझसे कि मैं अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखता, मगर जब इसकी बात आई है मैं इस चीज़ से डरा हूँ कि ऐसा ना हो कि मुझे लगे और मेरी वजह से मेरे घर वालों को लगे। तो अगर आपको अपने घर वालों से मोहब्बत है, अपने चाहने वालों से मोहब्बत है, तो अपना ख्याल रखें। प्लीज़ आप ये मत समझें कि जी मैं सही हूँ तो सब दूसरे सही हैं तो मैं भी सही हूँ। नहीं, अपने आप का ख्याल रखें ताकि दूसरों का ख्याल रख सके। थैंक यू, प्लीज़, एंड इंशाल्लाह वी विल गेट थ्रू दिस।